वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ, चैप्टर नाइन, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लगभग अभी तक पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और हमने पढ़ा है फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनके डेरिवेशन जो थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, वो मैं कर चुका हूँ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो था, वो मैं करने आपको समझा चुका हूँ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पाते हैं कि कैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके क्वेश्चन आंसर को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से क्या है, हमारे जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर होते हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन आंसर के जब आंसर हम उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं तो हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो हमें वापस रिवाइज होती है, रिकॉल होती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्वेश्चन आंसर सेशन। आइए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट जो है पेज नंबर 118, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हम जानते हैं, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब वो एक टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो अपने आप को अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है और मोशन में रहना चाहता है। वो जो अगर उसके मोशन में या उसकी स्टेट में अगर चेंज होता है, अगर रेस्ट से कहीं और जाने की कोशिश करता है तो उसकी टेंडेंसी होती है, वो इनर्शिया क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है उसको चेंज करने से। तो यही होता है। और इनर्शिया जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के। मतलब जिसका मास अधिक उसका इनर्शिया ज़्यादा, ठीक है, और जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। चलिए आइए, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ए रबड़ बॉल एंड ए स्टोन हैव द सेम साइज, तो किसका इनर्शिया ज्यादा है इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में किसका इनर्शिया ज्यादा है। एक रबड़ की बॉल है और एक स्टोन है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा है, सेम साइज के हैं, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। देखिए इसमें किसका मास ज्यादा है, रबड़ बॉल का मास ज्यादा है कि स्टोन का मास ज्यादा है। जाहिर सी बात है, इट्स क्लियर दैट स्टोन हैज बिगर मास, तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इट मीन्स स्टोन हैज मोर इनर्शिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। बी देखिए, ए बाइसाइकिल एंड ट्रेन, किसका मास ज्यादा है, बिल्कुल इट्स क्लियर ऑब्वियस ट्रेन का मास ज्यादा है, तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा, ट्रेन हैज मोर इनर्शिया, इसमें ट्रेन का होगा, इसमें स्टोन का होगा। और ये 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन, एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का है, किसका मास ज्यादा होता है, 5 रुपीज कॉइन का मास ज्यादा होता है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, 5 रुपीज कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये फन क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब आइए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज, कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। ए फुटबॉल प्लेयर किक से फुटबॉल, एक फुटबॉल प्लेयर है वो फुटबॉल को किक करता है टू अनदर प्लेयर, दूसरे प्लेयर के पास, ऑफिस टीम, उसी खुद की टीम का, हु किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, जो दूसरा प्लेयर है जिसके पास बॉल आई है वो वापिस गोल की तरफ फुटबॉल को किक करता है। फिर क्या करता है, गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, अपोजिट टीम का जो गोलकीपर है वो उस बॉल को कलेक्ट करता है, गोल नहीं होने देता है, वो गोल पोस्ट को उसको रोक देता है, फुटबॉल को उसको रोक देता है, एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर्स ऑन टीम, फिर वो अपनी जो गोलकीपर खुद की टीम का जो प्लेयर है उसकी तरफ उस बॉल को, फुटबॉल को किक करता है। तो अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना, आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन द केस, हमें क्या पता है कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी फुटबॉल की। चलिए इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं हम, तो उनको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बनाते हैं, चलिए मान ली ये मेरा फुटबॉल गेम है, ये गोल पोस्ट है, ठीक है, इज ए गोल पोस्ट। चलिए यहाँ पर रखिए एक फुटबॉल, ये मेरी है फुटबॉल, ठीक है, ये मेरी फुटबॉल है। अब ये फुटबॉल जो मेरा एक प्लेयर है, इस प्लेयर से किसके पास गई, अब दूसरे प्लेयर को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, उसी सेम प्लेयर के पास गई, उसी की टीम के, ये इस प्लेयर से ये फुटबॉल आ गई इस प्लेयर के पास, ठीक है, ये फुटबॉल आ गई यहाँ। चलिए फुटबॉल तो यहाँ आ गई, अब इसने क्या कहाँ मारी, इस गोल पोस्ट में मांगी मारी, इस फुटबॉल ने इसको गोल पोस्ट में मारी, यहाँ पर खड़ा है गोल कीपर, ठीक है, जो गोल को रोकता है। अब जब ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ पर इसने मारी, यहाँ से यहाँ मारी, तो बॉल आ गई यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस गोलकीपर ने अब यहाँ पर इसकी ही टीम का यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, इसी खुद की टीम का, ठीक है, अब इसने फिर अभी इसने किक मारी, किसने किक मारी,
इस गोलकीपर ने, और ये फुटबॉल ऐसे हवा में उछलते हुए वापस अपने प्लेयर के पास पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है ओके। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करा कितने टाइम वेलोसिटी में चेंजेस आया है, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज कब आता है, जब एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन कब आता है, जब फोर्स आता है, मतलब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे एक्सेलरेशन में चेंज था, एफ इजिकल टू एम ए हमने किया था, ठीक है। तो देखिए कितनी बार आया, जब ये प्लेयर यहाँ से यहाँ पर इसने शॉट मारी इस फुटबॉल, तब चेंज आया। इसने रोक के जब यहाँ से मारा, सेकंड टाइम चेंज आया, फिर अभी बॉल रुकी, इसने फिर वापस यहाँ पर आया, तो तीन बार वेलोसिटी में चेंज आया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें किसका कैसे हमको क्वेश्चन को हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसका। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हम एक सिंपल एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी आई थी कि एजेंट और सप्लाइंग द फोर्स, ठीक है, कौन सा एजेंट जो सप्लाई कर रहा है उस फोर्स को, एजेंट सप्लाइंग द फोर्स, और चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब जो नंबर वन, इसको वन मान लेता हूँ, मान लो जो पहला प्लेयर है टीम का, ये वन, इससे टू सेकंड प्लेयर पर गई, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्लेयर ऑफ द टीम जिसने सेकंड प्लेयर को, ये एजेंट है जिसने फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फुटबॉल चेंज इट्स वेलोसिटी, फुटबॉल ने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, या वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन था एजेंट, नेक्स्ट एजेंट ये था, ठीक है। परंतु जब फुटबॉल यहाँ से यहाँ पर आई तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो इसने बॉल रोकी, क्या किया इसने, बॉल रोकी। तो जब बॉल रोकी है, जब बॉल को रोका इसने, इसने जब बॉल को रोका तब भी वेलोसिटी में चेंज आया ना। मान लो मैं कोई, मेरे पास कोई वेलोसिटी आ रही है, तो जो सेकंड प्लेयर है ऑफ द टीम, अब यहाँ लिखिए सेकंड प्लेयर ऑफ द सेम टीम, अब उसी टीम का सेकंड प्लेयर, वो क्या कर रहा है, बॉल को रोक रहा है। तो अब वापस फुटबॉल अपनी चेंज करी वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर फुटबॉल क्या कर रही है, फुटबॉल जब मोशन में थी, मोशन से वो रुकती है ना, किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, जो कि अब ये रोक नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको जिस जिस स्पीड से, उसी स्पीड से इसने उसकी, उससे ज़्यादा स्पीड को इसने, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, वेलोसिटी को चेंज कर दिया। तो अब ये सेकंड प्लेयर क्या था, फुटबॉल अगेन, या फिर ये ले सकते हैं हम जो, ठीक है, ये जो जो सेकंड प्लेयर गया, सेकंड प्लेयर किक द फुटबॉल, किक द फुटबॉल टुवार्ड्स गोल, सेकंड प्लेयर ने क्या किया, उसके गोल की तरफ, गोल की तरफ, दूसरी टीम के गोल की तरफ, गोल पोस्ट की तरफ उसने फुटबॉल को देखा। फिर क्या करा, द गोल कीपर ऑपोजिट कलेक्ट्स द बॉल, अब यहां पर दो बार वेलोसिटी चेंज हुई, एक तो जिस स्पीड से आई उसने इसको, तो एजेंट कौन सा, गोल कीपर, यहाँ पे ये इसने, इसने फोर्स को रोका, ठीक है। क्या हुआ, क्या चेंज आया, स्टॉप द बॉल, ठीक है, इसने क्या किया, स्टॉप द बॉल, इसने बॉल को रोका, स्टॉप द बॉल, स्टॉप द फुटबॉल। तो वेलोसिटी किस कुछ थी, उस वेलोसिटी इसने, वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हो गई। अब फिर उस वापस गोल कीपर ने क्या किया, सेकंड एजेंट वापस भी वही है, एजेंट सप्लाइंग फोर्स, फिर वो गोल कीपर इसको मार रहा है, इस बॉल को, अपने ही प्लेयर को, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है। सप्लाई फुटबॉल, या सप्लाई की जगह लिख दें किक, किक फुटबॉल टुवर्ड्स
हिज ऑन टीम प्लेयर, ऑन टीम प्लेयर यानी उसके खुद के टीम प्लेयर के तरफ वो फेंक रहा। तो इतनी बार वेलोसिटी में चेंज आया, जब वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पे आया तो वेलोसिटी में चेंज आया, इसने और वेलोसिटी चेंज करके इसको गोल पोस्ट की तरफ मारा, इसने पहले कलेक्ट की एक बार तो वो चेंज आया, फिर इसने मारी वो चेंज, तो चार बार वेलोसिटी में चेंज आया। कितने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी है? फोर टाइम्स। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा? फोर टाइम्स मेरी वेलोसिटी में चेंज आया, फोर टाइम्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक बार, यहाँ से यहाँ दो बार, फिर एक बार जब रोका तीन बार, और दूसरा से मारा चार बार। तो चार बार मेरी वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, और कौन कौन एजेंट था? ये एजेंट था दो, तीन, तीन एजेंट इसमें रहेंगे, और ये मैं हमारा इस प्रकार हम आंसर इसका लिख सकते हैं। हाँ, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, आगे देखें सिमिलर पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटेक्ट फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। यदि हम किसी प्लांट ट्री के, ठीक है, उसके अगर उसकी अगर उसको शेक करें, उसकी ब्रांच को, किसी ट्री के एक ब्रांच को हम शेक करें, मतलब हिलाएं उसको जोर जोर से, तो हम देखते हैं कि जो वहाँ की जो लीव्स हैं वो अपने आप डिटेच होकर नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो इफ एनी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट इस स्टेट ऑफ मोशन, हर ऑब्जेक्ट अपने मोशन को, तो लीव्स क्या है? लीव्स किस में है? रेस्ट में है। जब लीव्स स्टेट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, परंतु हम क्या कर रहे हैं? उसको मोशन में ला रहे हैं। तो मोशन में ला रहे हैं तो वो रेजिस्ट करेगी लीव्स अपने आप को मोशन में आने से, तो इस कारण से वो जो लीव्स है वो वहाँ पर फोर्स लगता है उसके जो जॉइंट पर, फोर्स ऑफ लीव और ब्रांच की जॉइंट पर, तो और वहाँ से वो डिटैच हो जाती है। तो इस प्रकार ड्यू टू इनर्शिया रीजन इसका आंसर क्या होगा थर्ड का? ड्यू टू इनर्शिया एंड ड्यू टू एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द लीव्स ऑफ द ट्रीज वांट टू एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज रेस्ट, सो द विगरसली शेक ऑफ द इट्स ब्रांच इट्स take to got in motion but so that's why the leaves are detached. So ये हमारा हो जाता है इसका आंसर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and fall backward when it accelerates from rest? जब भी कोई बस है, बस में हम बैठते हैं अक्सर, बस जब जब स्टार्ट होती है तो रेस्ट से जब एक्सीलेट होकर आगे जाती है तो हम देखते हैं हम पीछे की ओर आते हैं, और जब बस किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड चल रही थी और उसमें तुरंत ब्रेक लगता है तो हम आगे आगे की ओर फॉरवर्ड हम आगे जाते हैं बस में बैठे बैठे। इसका रीज़न क्या है? देखिए, जब हम बस में बैठते हैं तो हमारे जो पाँव हैं, हमारा बॉडी का हाफ पार्ट, वो किससे अटैच है? बस से। पर बॉडी का जो दूसरा पार्ट है, अपर पार्ट है, वो बॉडी से, वो अपर पार्ट है, वो तो पाँव तो हमारे जो है वो तो बस के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, और बॉडी पूरी हमारी बस का मूव कर रही है, तो हमारी बॉडी क्या चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं, परंतु बस में जैसे ही ब्रेक लगा तो पांव तो हमारे वहीं पे बॉडी के साथ अटैच है, उस बस के साथ अटैच है, तो वो तो उसके अकॉर्डिंगली रुक गए, पर हमारी बॉडी का ऊपर का पार्ट जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट आ जाता है हमारी कमर पर, तो ये बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है वो चाहता है कि मैं मोशन में रहूं, बट ब्रेक लग गए इसलिए हम आगे की तरफ आते हैं। और जब बस में जब रेस्ट से स्टार्ट करती है, जब रुकी हुई है वहाँ से जब एक्सेलरेट करके स्पीड में आती है, तो हमारी उसी प्रकार जब बॉडी का ऊपर का पार्ट है वो चाहता है कि मैं रेस्ट में रही हूं, तो वो इसलिए हम जैसे बस एक्सेलरेट होती है तो हम पीछे जाते हैं, ये कारण है। तो ये कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ है? इट्स ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होता है। आगे पेज नंबर 126 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्शन हमेशा रिएक्शन के इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है फोर्स, कौन सा लॉ ऑफ मोशन है? ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एक्सप्लेन हाउ हॉर्स पुल अ कार्ट। ठीक है, तो कैसे एक हॉर्स जो है, एक घोड़ा अपने गाड़ी को पुल करता है, रीजन बताइए। इसको मैं जब थ्योरी में हो रही थी तब भी मैं समझाया था। देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है बिल्कुल सही पूछ रहा है। जैसे ये घोड़ा हमारा, सपोज आप इसको इस प्रकार ले लीजिए,
ये घोड़ा इसके चार पांव हो गए, ठीक है। इसके साथ जो गाड़ी बंधी हुई है, इसके साथ एक कार्ट है, ठीक है, ये इसके व्हील है कार्ट के, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये जो हॉर्स है, क्या ये हॉर्स घोड़ा और एक कार्ट है। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या कहते हैं, अगर हॉर्स ने इस कार्ड के ऊपर एफ फोर्स लगाया, भाई खींचने के लिए एफ फोर्स लगाया, तो ये कार्ड भी इस हॉर्स के ऊपर एफ फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है ना, और अपोजिट एक्शन लगाएगा, तो ये जो गाड़ी है वो आगे खींचनी नहीं चाहिए ना भाई। जितना भी फोर्स अगर हॉर्स अगर कार्ड के ऊपर लगा ले, तो कार्ड भी तो हॉर्स के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, तो ये गाड़ी आगे जानी नहीं चाहिए एक्शन रिएक्शन के हिसाब से, बट गाड़ी तो चलती है, फोर्स उसको फोर्स लगाता है। रीजन क्या है, तो रीजन एक ही है, ये हॉर्स जो है ना कार्ड के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है। ये कार्ड और हॉर्स, जब आपने घोड़े को कार्ड से बांध दिया, गाड़ी से बांध दिया, तो ये एक सिस्टम बन गया, इट्स अ पूरा यूनिकल वन ऑब्जेक्ट, ये एक वन ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे हम पूरे को। अब एक ऑब्जेक्ट जब कंसीडर होगा, तो ये फोर्स किस पर लगा, ये फोर्स लगाता है घोड़ा इस सड़क के ऊपर, अपने पाँव से, अपने टो से इस सड़क के ऊपर फोर्स लगाया जाता है इस घोड़े द्वारा। जब इस सड़क के ऊपर फोर्स लगाता है, तो सड़क भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है एक्शन रिएक्शन के आधार पर, उतना ही फोर्स अपोजिट एक्शन में लगाता है, और रिजल्टेंट जो फोर्स होता है, अब जब इसके हम घटक करते हैं, तो एक घटक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है, एक हॉरिजॉन्टल जाएगा और इधर, तो दोनों जब हॉरिजॉन्टल जाएंगे, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स से अगर ज़्यादा इसका हॉरिजॉन्टल जो हो गया कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ज़्यादा हो गया फोर्स का, तब ये घोड़ा चलता है, मतलब ये गाड़ी चलेगी, समझ में आया। तो ऐसा बिल्कुल कंसेप्ट ही गलत है कि भैया हमने एक घोड़े ने गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाया, गाड़ी ने घोड़े के ऊपर फोर्स लगाया, तो गाड़ी आगे क्यों जा रही है, गाड़ी घोड़ा कहाँ फोर्स लगा रहा है, सड़क पर, नहीं गाड़ी के ऊपर। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। भाई आपने देखा कहीं आग लग जाती है, आग बुझाने के लिए कौन आता है, फायरमैन। फायरमैन किस में आता है, गाड़ी होती है दमकल, उसको हिंदी में दमकल बोलते हैं या इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो जब फायर की जो गाड़ी आती है उससे फायर में उतरता है, और एक पानी का एक होस, उसको होस बोलते हैं, होस, होस मतलब एक पानी का पाइप होता है, उससे उस पाइप में क्या होता है, जब एक गाड़ी से इस पाइप जिसमें पानी भरा है, और इस पाइप से फिर वो यहाँ नोजल होती है, जो नोजल इस पानी को आगे फेंकती है, और ये इसको पकड़ता है, जो बंदा होता है वो इसको इस पाइप को पकड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पूछ रहा है कि वो पीछे क्यों जाता है, तो वही सिमिलर एक्शन एंड रिएक्शन। अब इसमें जो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है वाटर, क्या ऑब्जेक्ट है वाटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये पूरा सिस्टम है। जब पानी आगे जाएगा, ठीक है, और तो ये इस होस के ऊपर लगेगा, और ये पूरा सिस्टम एक हो गया क्योंकि ये से अटैच हो गया, तो ये इसको पीछे धकेलता है, किसको, होस को पीछे देखता है, पर होस को किसने पकड़ रखा है, फायरमैन, इसलिए वो भी पीछे जाता है, फायरमैन उसके साथ पकड़ते पड़ते, अगर फायरमैन को हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो उसको पकड़ के रहते, ताकि वो स्टेबल खड़ा रहे, वो पीछे नहीं आए। तो ये एक रीज़न होता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के कारण, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 500 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 meters per second, कैलकुलेट इट्स इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। देखिए यहाँ पर क्या है, जब बुलेट होती है, देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे जब गन है कोई भी, ठीक है, एक राइफल है, मान लो सपोज लो ये राइफल है, ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रिगर है और ये इसकी, ठीक है, ये राइफल है। इस राइफल को जब मैंने, इसके अंदर ये बुलेट है, इसके अंदर ये क्या है, बुलेट, ये बुलेट और ये मेरी राइफल। अब बुलेट, राइफल से जब मैंने बुलेट को छोड़ा, राइफल से जब मैंने बुलेट को छोड़ा, तब दोनों रेस्ट में थे, बुलेट अंदर रेस्ट में थी, राइफल भी रेस्ट में था, तब छोड़ा, तब क्या हुआ, तब बुलेट के का कुछ वेलोसिटी आई पीछे की ओर, और बुलेट की वेलोसिटी आगे की ओर, तो राइफल की वेलोसिटी पीछे, बुलेट आगे जाएगी और राइफल कहाँ आएगी, बुलेट जाएगी आगे और राइफल आएगी पीछे, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो पहले की वेलोसिटी बाकी वेलोसिटी दोनों बराबर होती है। अब पहले की वेलोसिटी दोनों जीरो जीरो थे तो जीरो इज इक्वल टू, देखिए अब एम राइफल करता हूँ आर और एम बुलेट करता हूँ, ठीक है, एम राइफल इंटू यू यू आर प्लस एम बुलेट इंटू यू बुलेट इज इक्वल टू एम राइफल वी आर प्लस एम बुलेट वी मी। आर का मतलब राइफल है और बी का मतलब बुलेट है, ठीक है। तो देखिए इनिशियल में दोनों रेस्ट में है तो ये भी जीरो हो जाएगा, यू दोनों यू आर जीरो है और वी बी भी जीरो है, ठीक है। या इनिशियल वर्ड लिखा उससे कन्फ्यूज मत होना, वो इनिशियल वर्ड का मतलब यही है कि फायर होने के बाद, मतलब कोलिजन होने के बाद की बात है, पर कोलिजन से पहले, कोलिजन के समय तो दोनों रेस्ट में थे तो दोनों जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो का मतलब ऐसे होगा जीरो, तो ये जीरो। तो एम राइफल, राइफल का मास कितना है 4 kg, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, वेलोसिटी कितनी है, वी कितना है, वेलोसिटी जो राइफल की है वो हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल निकालनी है हमें, तो वी आर लिख देंगे, ठीक है। प्लस अब जो बुलेट का मास कितना है वो 50 ग्राम है, 50 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इधर हम बुलेट का मास जो है वो, राइफल का मास जो है वो किलोग्राम में लिख रहे हैं, तो 50 ग्राम का मतलब मेरा 0.05 kg, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। और वी बी कितना दे रखा है मेरे को, वी बी दे रखा है 35 meters per second, बट वी बी की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन की अपोजिट होगी, राइफल की डायरेक्शन अगर यूँ है तो बुलेट की डायरेक्शन तो ये माइनस में आएगा, -35, क्योंकि डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, क्लियर। तो ये मीटर पर सेकंड, यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे हम लिखते हुए, मास को हमें किलोग्राम में लिखना है और इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है, तो यहाँ किलोग्राम नहीं था, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको इधर लेंगे तो 4 VR हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, एक को इधर लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, देखिए, या 4 VR को दिया जाएगा तो 4 VR माइनस का हो गया, समझ लें, और ये माइनस का है 35 × 0.05, ठीक है। अब 0.05 अब माइनस है, माइनस हम कट कर सकते हैं 4 को, फिर यहाँ से और हम नीचे यहाँ से हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ से अगर हमें, मैंने हटाया, क्या हटाया, डेसिमल हटाया, तो नीचे कितना आ गया, 100 आ गया, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये आप सॉल्व कर लें, जो भी वेलोसिटी आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड। ये क्या आएगी, राइफल की वेलोसिटी, ठीक है, राइफल की वेलोसिटी, तो ये आप कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, तो पॉइंट्स में कुछ आएगी वो आप कर लेना। अब टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 g and 200 g आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप, उनका मास एक 100 g है एक 200 g है, ठीक है, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, एक लाइन में जा रहे हैं, एंड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 m/s एंड 1 m/s रेस्पेक्टिवली, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, एक 2 m/s जा रहा है और एक, मतलब 100 g का जो ऑब्जेक्ट है वो 2 m/s की स्पीड जा रहा है और 200 g का जो ऑब्जेक्ट है वो 1 m/s की स्पीड से जा रहा है, दे कोलाइड, वो टकराते हैं, और आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट वेलोसिटी ऑफ 1.67 m/s, यानी पहला जो ऑब्जेक्ट है फिर उसकी वेलोसिटी रखी और डिटरमाइन द वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत बहुत सिंपल है, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज द वन ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन, देखो आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट द वेलोसिटी, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये दे रखी है, सेकंड की हमें निकालनी है, तो ये वन हो गया तो इसको एम वन लिख देंगे, ये एम टू दे रखा है, ठीक है, ये यू वन है, ये यू टू है, ठीक है, ये वी वन दे दिया और वी टू हमें निकालना, सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए एम मास एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए मास 100 g, अब हमें यहाँ किस में लिखना है, मास को किस में लिखना है, किलोग्राम में, ठीक है, तो मैं इसको 0.1 g लिख सकता हूँ,
ठीक है, तो मास हो गया वन का 0.1 इंटू, उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर इंटू 2 प्लस, अब सेकंड का मास कितना 0.2, मैं किलोग्राम में लिख रहा हूँ, डायरेक्टली किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एम वन यू वन हो गया, ये एम टू, 0.2 इंटू यू टू कितना है 1 है मीटर पर सेकंड में, एम वन, एम वन कितना 0.1 है, वी वन उसका दे रखा है 1.67 इंटू 1.67, ठीक है, प्लस एम टू, एम टू कितना है, एम टू हमारा 0.2, और V2 कितना है, V2 निकालना है, क्लियर, यहाँ तक हमारा क्लियर है, देखिए सब कुछ है, केवल V2 निकालना है, हम निकाल सकते हैं सिंपल, देखिए 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 आ गया, प्लस 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 आ गया, यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू, अब दोनों में प्लस आएगा, डायरेक्शन देख लेंगे एक बार, डायरेक्शन हम देख लेंगे, ये यू दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, आर मूविंग ऑन सेम लाइन एंड डायरेक्शन, ठीक है, सेम लाइन और सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, इसलिए दोनों में प्लस आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस हो जाता, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अब चलिए, अब 0.1 इंटू 0.67 तो कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको 0.10 आएगा तो ये हो जाएगा मेरा 0.167, ठीक है, ये आ गया, प्लस प्लस 0.2 वी टू, क्लियर, अब आगे यहाँ देख लेते हैं अपन, अब 0.2 और 0.2 कितना हो गया 0.4 हो गया, 0.4 इज इक्वल टू, अब 0.167 इधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस लगा दूँ, ये 0.4 हो गया, अब इसको इधर 0.16 हो गया, माइनस 0.167, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 0.2 वी टू, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चलिए अब जब मैं इसको माइनस करूँगा किसको 0.4 को 0.167 से, तो कर सकते हैं सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, अब देखिए तो हम 0.4 को माइनस करके इधर लिख सकते हैं, हम देखिए 0.4 में से 0.167 माइनस करना है, यहाँ दो जीरो लगा दो तो ये आएगा 7 और 3 10 हो गया, ये हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 6 और 3 9 3 में से बन गया 2, 0.233, ठीक है, 0.233 और 0.2 नीचे आ जाएगा मेरा, तो ये आएगा वी टू के लिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है, हम डेसिमल हटा देंगे तो नीचे दो जीरो आ जाएंगे, 233/200, ये आ गया मेरा मीटर पर सेकंड, डिवाइड कर लेंगे तो एग्जैक्टली मेरा V2 आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार मेरा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, ये अभी तक का, इसके आगे और हम न्यूमेरिकल अभी देखते हैं अपन, ठीक है, हाँ तो अब हम पेज नंबर 128 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मेन एक्सरसाइज है हमारी, उस पर आते हैं, और इस टाइप के जो सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल वो आप कर सकते हैं, तो मैं किसी एक टाइप का न्यूमेरिकल आपके लिए कर रहा हूँ, देखिए एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई ट्रक है वो स्टार्ट हो रही है, देखिए न्यूमेरिकल करने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि आप धीरे 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 जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं वैसे वैसे उसका डायग्राम बना लें, तो उससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, भाई क्वेश्चन में जो कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो देखिए अब ये मैं बताता हूँ कैसे न्यूमेरिकल किए जाते हैं, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मान लो ट्रक है सपोज, ठीक है ये ट्रक है, अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब ये रेस्ट पे खड़ी, मतलब खड़ी है ये, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन टू रोल डाउन ए हिल विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, अब ये हिल पे खड़ी और यहाँ से रोल डाउन हो रही है, तो ठीक है हिल बना लेते हैं, ये हिल पे ऐसे रोल डाउन हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि ये ऐसे है, ठीक है ये रोल डाउन हो रही है, ये दो इसके व्हील है, ये इस हिल से यूँ अन नीचे जा रही है, ठीक है, अब ये रेस्ट में थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसने यू जीरो दे दी, क्लियर, विद ए कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन, मतलब एक्सीलेशन उसने कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है, इफ ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, अब 400 मीटर में 20 सेकंड तक जाती है, 400 मीटर में 20 सेकंड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 400 मीटर मान लो ये डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है, ये एस मेरे को दे दिया, एस दे दिया 400 मीटर,
और टाइम कितना दे दिया मेरे को 20 सेकंड। फाइंड इज एक्सेलरेशन, तो हमको एक्सेलरेशन ही पता करना है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और हमको फोर्स पता करना है कितना फोर्स लग रहा है। इफ द मास इज 7 टन, इस ट्रक का मास कितना है 7 टन है। चलिए ये एम, चलिए पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए ये यहाँ पर क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है और यू इनिशियल वेलोसिटी दिए, तो और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होती है। तो सेकंड इक्वेशन जो प्रीवियस चैप्टर नंबर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस मेरे को दे रखा 400 मीटर, हम सारे यूनिट एसआई में रखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे, मीटर केजी या मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मीटर में रख दिया मैंने, यू जीरो है, जीरो इंटू टी मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए निकालना है मुझे टी स्क्वायर, टी कितना है मेरा, टी कितना है मेरा 20 सेकंड, तो सेकंड में दिया है तो टी को सेकंड में रखेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए 400 इज इक्वल टू जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, लिखने जरूरत नहीं, प्लस हाफ ये आया, हाफ ए 20 इंटू 20, ठीक है, स्क्वायर था। तो मैंने अब ए निकालना मुझे 400, अब टू नीचे तो टू ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 20 आ गया, 20 इंटू 20 400 होता है, इसको इससे कट जाएंगे, ठीक है। ए कितना आ गया, मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए इज इक्वल टू, और यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखा है वैल्यू। अब जब ए मेरी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब यहाँ पर मेरा मास भी आ जाएगा, मेरा फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है उस पर, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है मेरा 7 टन, 7 टन, यानी इस टन को भी मैं स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम होती है। एक टन में कितना किलोग्राम होता है, 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम, कितना होता है 1000 किलोग्राम, तो इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 7000 किलोग्राम, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा मेरा 14000। अब क्या निकाल रहा हूँ, फोर्स के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं न्यूटन में लिखता हूँ, हम जानते हैं 1 kg/s, तो क्या हो जाएगा 14000 न्यूटन, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार में हम निकाल सकते हैं। अब हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें हमारी प्रीवियस चैप्टर की जो तीनों इक्वेशन थी उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, उसी का आगे का है। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी, कोई स्टोन है उसको मैं, उस स्टोन का वेट कितना है 1 kg, ठीक है, ऑफ विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस ऑफ ए लेक, एक लेक है, एक झील है जो फ्रोजन यानी कि जम गई है, सर्दियों का मौसम होगा जम्मू कश्मीर आप देखते हैं वहाँ श्रीनगर में जो डल झील होती है जम जाती है, उसी प्रकार कोई लेक है जो जम गई है बर्फ से, ठीक है। अब बर्फ में यहाँ पे लेक जम गई है यहाँ पर, ठीक है, अब फ्रोजन लेक है, अब उसकी एक पत्थर है मैंने इसके ऊपर फेंका, ठीक है, 1 stone of 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 1, अब जब मैं इसके ऊपर फेंकता हूँ उस पत्थर को, ठीक है, तो इस पत्थर के ऊपर जब फेंकता हूँ तो इसका वेट है 1 kg, इस वेट को जब मैंने फेंका और उसकी स्पीड थी मेरी 20, यानी यू दे दिया मेरे को 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू ए रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अब ये पत्थर इस फर्स्ट पर कहाँ तक जाता है, 50 मीटर तक, मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, और यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, वी इज इक्वल टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, यानी कि ये लेक कुछ ना कुछ पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रही होगी तभी यहाँ पर जाके रुका, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, हमें फ्रिक्शन फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन थी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम तो मेरे पास है, मास है उसका 1 kg, तो एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमें जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, जो कि इक्वेशन है वो हम देखें कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज, मेरे पास बी है, यू है और एस है, ठीक है, और मेरे को निकालना एस, यानी मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसी कौन सी फॉर्मूला जिसमें टाइम नहीं आता, यानी कि थर्ड इक्वेशन जो होती है, जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू है, उसमें इक्वेशन में थर्ड वो नहीं आता, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब वी कितना है, जीरो, जीरो लिख दिया, माइनस यू कितना है, यू कितना है मेरा 20 का स्क्वायर, ठीक है,
और 2AS, 2A कितना, A तो निकालना ही है मुझे, डिस्टेंस कितनी 50 मीटर, सभी को मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में रखा। देखिए इसको 50 मीटर में रखा, जो मेरा U है वो मीटर पर सेकंड में है, तो एक्सेलरेशन में आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। देखिए माइनस 400 हो गया, क्लियर, अपॉन, अब इधर A इधर, बाकी इसको इधर भेज दो, 2 नीचे आ जाएगा और 50 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जीरो से जीरो कट कर दो, ठीक है, चलो 5 8 40 और 2 2 2 4 8, यानी A कितना आ गया, A आ गया मेरा माइनस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब A माइनस में क्या, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर लगा तभी जाके वो रुक रहा है, ठीक है, और मेरी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए क्योंकि इसलिए वो नेगेटिव में आया। चलिए व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, अब फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स मास कितना है, 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है 4। अब यहाँ केवल मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन मुझे पता ही है, अपोजिट टू द वेलोसिटी लग रही डायरेक्शन, तो ये मैं ले सकता हूँ, तो 1 × 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फोर्स कितना आ जाएगा मेरा 4 न्यूटन, मतलब 4 न्यूटन का फोर्स वो लेग उसका फ्रिक्शन फोर्स है जो उस पर लग रहा है। तो इस प्रकार ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के रहेंगे। हम जो प्रीवियस चैप्टर के हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, और उसके साथ साथ जो तीनों लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू एम ए या यो वेलोसिटी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो इजीली कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपसे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं, टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं और कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो इसी यही हमारा यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट करते हूँ, थैंक यू।